एक दोस्त, एक पिता, एक मेंटर, एक सच्चा पाक कलाकार, एक आपका छत्र बोलते ना, छत्र ऊपर मेरा हाथ है, कर जो तेरे को करना है, मैं हूं तेरे साथ। वो हर चीज में मतलब मेरे साथ, वो मेरे हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहे, हमेशा। फिर मुझे बहुत सारे चांस दिए उन्होंने एज म्यूजिक अरेंजर अपने एल्बम्स में। करीबन मैंने उनके, मुझे याद ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे एल्बम्स किए बतौर म्यूजिक अरेंजर, और वो फुल फ्रीडम के साथ। झगड़े भी बहुत होते थे स्टूडियो में। और अच्छा, चित्रा आंटी हमेशा मेरा साइड लेती थी, हमेशा मेरा साइड लेती थी कि ये कुछ अलग सोच रहा है, तुम वापस घूम फिर के वही तुम उस पर आ जाते हो, थुन चक तुम ऐसा मत करो ना, वो उसको करने दो, लेट हिम डू इट। तो मैं करता था अपने तरीके से, तो खुश भी होते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो के बाहर, बोला देखो क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है बताओ, अभी तुम्हारे अंदर जो जोश है ना कि मैं ये भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ, ये भी करके दिखा दूँ, वो नहीं होता अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है कि एक खूबसूरत लड़की है, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है, उसको शायद एक बिंदी की जरूरत है, वो म्यूजिक अरेंजमेंट होता है। उसको तुम सोने में लाद दोगे, अपना गोल्डन साड़ी पहना दोगे, ये कर दोगे, तो भद्दा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अरेंजमेंट गाने के मुताबिक होना चाहिए, और वर्ड्स को महसूस करो पहले कि वर्ड्स क्या डिमांड कर रही है, कंपोजिशन का ग्राफ क्या है, उसके हिसाब से म्यूजिक अरेंजमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके म्यूजिक फ्रेजेस भी वैसे होने चाहिए। तो उस समय तो मुझे झटका लगा बहुत कि मैं इतनी मेहनत करके लेके आया और ये वो, और ये ऐसी बात कर रहे हैं। मेलेडी प्रधान होता है गाना, वो कह रहे हैं मुझे मेलेडी इंपॉर्टेंट होती है, वर्ड्स मेलेडी ये इंपॉर्टेंट होती है, अरेंजमेंट उसका एक एक खाली एक वो होता है सपोर्टर। तो करते करते धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर जो मेरी जो थोड़ी बहुत जो जबान साफ है, वो ऑल बिकॉज ऑफ हिम, जो उर्दू की नॉलेज है या जो गज़ल की जो एक एक अपनी एक रवायत होती है, अपने अपना एक टेम्परामेंट होता है, वो उनके साथ की शब्दों का जो कितने मुंह खोलना, कहाँ होंठ खोलना, कहाँ जबान खोलना, या कौन से शब्द पे कहाँ पॉज आना। अब कितने लोग गाते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो के हर ख्वाहिश पे दम निकले ये होता है। तो ये सारी मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये बिल्कुल बिल्कुल बारीकियाँ बिल्कुल मैंने मैंने बहुत 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 सीखी और आज भी सीख रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट हूँ म्यूजिक का, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी गुरु बनने पे मैं कभी बिलीव करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, और मैं जहाँ से हो सकता है मैं सीखना सीखता रहता हूँ। मैं फिर अपना मिर्ज़ा गालिब हुआ, वहाँ से गुलजार अंकल साहब से मुलाकात हुई, तभी मैं आई थिंक कुछ 16 17 साल का हूँगा, 18 साल का हूँगा शायद। तो ये जर्नी इतनी प्यारी रही। फिर एक स्टेज ऐसा आया 2005 में कि मैंने जगजीत अंकल को फ़ोन किया और कहा कि अंकल अब मैं नहीं बजाना चाहता, मुझे सिर्फ क्लासिकल पे फोकस करना है, मेरे आई वॉन्टेड टू डू माई मतलब सोलो कॉन्सर्ट्स, वो भी क्लासिकल के। बोला ये सब ऐशो आराम भूलने पड़ेंगे, क्लासिकल कॉन्सर्ट करेगा 5 स्टार नहीं मिलेगी, तुमको मिलेगा गेस्ट हाउस, हाँ ट्रेन मिलेगी, फ्लाइट नहीं मिलेगी, बिजनेस क्लास तो बहुत दूर की बात है। मेरा कोई बात नहीं, मैं नए सिरे से लाइफ शुरू करूँगा, बट मुझे क्लासिकल करना है। तो बोला मेरे साथ बजाना, तेरे को कितना बजाना, मैंने आपके साथ तो बजा ही रहा हूँ मैं, और बोला कितना तो बजाता है मेरे साथ, क्या क्या बजाता रहता है तू, मैं रोकता हूँ क्या तेरे को, मैंने बिल्कुल नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, मुझे मतलब दो लोग आए वो मेरे लिए हैं, वो सोल्ड आउट होता है शो आपके नाम से, इवनिंग विद जगजीत सिंह, वो आपके नाम से कॉन्सर्ट, हर सैटरडे हम जाते थे श्रीफोर्ट और वो सोल्ड आउट होता था हमेशा, खाली श्रीफोर्ट नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगह हो, ये बिल्कुल कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जिनके टिकट्स बिकती हैं, ही इज वन ऑफ देम। नाम अनाउंस हुआ,
सोल्ड आउट दूसरे दिन, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कोना हो। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, मुझे है ना मुझे सोलो बजाना है बस। बोला तेरे को हो क्या गया, तू तेरी तबीयत ठीक है? तो देन ही कॉल्ड माई वाइफ, मेरी वाइफ को भी फ़ोन किया लता को, और बोला ये क्या पागल जैसी बात कर रहा है। बोला अंकल आप जानो और ये जाने, मैं इनके काम में कभी मैंने इंटरफेयर किया नहीं ना मैं करती हूँ, तो ये दिस इज बिटवीन यू एंड हिम। तो वो और चित्रा आंटी घर पे आए, मैंने ही बुलाया था कि घर पे आ जाओ बैठे। तो घर पे आने के बाद हमने एक एक ड्रिंक मारी, फिर उसके बाद जगजीत अंकल हमको खाना खिलाने ले गए। एक घर के बाजू में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था टाइम एंड अगेन वहाँ पर। फिर वो मेरी वाइफ को बोले लता को, इसको बोल कि अमेरिका चले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बोला अंकल वो तो मैं तो नहीं बोलूँगी, आप ही बोलो। तो बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरे को क्या चाहिए क्या लाइफ में? मैंने, मेरे को सब कुछ है आपके आशीर्वाद से, मैं नए सिरे से लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, मुझे क्लासिकल बजाना है बस, मुझे संगत नहीं करनी। तो बोला संगत थोड़ी यहाँ पर, वही बात रिपीट हो रही जो फोन पे हुई थी। मैंने अंकल मुझे है ना सेंटर में बैठना है। तो हंसने लगे बहुत जोर से ऐसे, बोला तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ। मैंने नहीं ऐसी बात नहीं है, इन द सेंस कि वो आपके कॉन्सर्ट में, वो जो सोल्ड आउट होता है कॉन्सर्ट, वो आपके नाम से होता है और उसमें मैं हूँ कि चलो दीपक पंडित भी है साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँगा तो पब्लिक टिकट नहीं लेगी, सवाल ही नहीं होता, वो आपका कॉन्सर्ट है। मैं चाहता हूँ कि 2 लोग आए या 2000 लोग आए, वो मेरे नाम से है। तो चित्रा आंटी ने मेरा साइड लिया, बोला ये लड़का सही बोल रहा है, उसको करने दे, अपने अपने हिसाब से जीने दे उसको।